हाय स्टूडेंट, जीआईडी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे टैली में यदि परचेज ऑफ एसेट्स, यानी कि अगर जो कोई हम एसेट्स खरीदते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दे लो, यानी कि अब हमको क्या करना है, एंट्री करना है किस चीज का, कि यदि हम एसेट्स खरीद रहे हैं तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। हाँ, चूंकि याद रखिए, याद करिए, आप लोग पहले बताए थे कि कोई भी अगर जो एसेट्स वो जो खरीदते हैं आप बेचते हैं तो उसकी एंट्री किसमें करते हैं, जनरल वाउचर, बताए थे ना। जो यहाँ पे कह रहा, प्राय जब हम किसी एसेट्स को क्रेडिट पर परचेस करते हैं तो जनरल वाउचर का प्रयोग करते हैं। कोई भी यदि एसेट्स खरीदेंगे तो किस वाउचर का प्रयोग करेंगे, जनरल वाउचर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो इस एंट्री को परचेज वाउचर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम जनरल वाउचर में न जाए, परचेज वाउचर में ही एंट्री करने, तो भी आप आसानी से एंट्री कर सकते हैं। हाँ, लेकिन याद रखिए, उसके लिए आपको यूज करना कौन सा एज वाउचर मोड यूज करना हो, कौन सा मोड, एज वाउचर मोड। यानी कि यदि आप अपने परचेज वाउचर में हैं और एज वाउचर मोड का इस्तेमाल करना कर रहे हैं तो आप एज वाउचर मोड का यूज करके अपने एसेट्स की भी एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग परचेज वाउचर में तीन मोड पढ़े हैं ना, कौन कौन सा होता है, आइटम इनवाइस मोड, उसके बाद से एज वाउचर और ये अकाउंटिंग इनवाइस, आइटम इनवाइस मोड, एज वाउचर और अकाउंटिंग इनवाइस, इतना क्लियर है ना। तो जिसमें हम एज वाउचर का यूज करके जनरल वाउचर के बजाय हम किसमें कर सकते हैं, परचेज वाउचर में कर सकते हैं, इतना क्लियर है ना। हाँ, उसके लिए कह रहा है, देखिए यहाँ कह रहा है, तो इस एंट्री को परचेज वाउचर में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और कह रहा है इस मोड का प्रयोग करके हम नॉन ट्रेडिंग आइटम को भी परचेज वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। नॉन ट्रेडिंग आइटम का मतलब क्या होगा, कि ऐसा वस्तु जो हमको कभी सेल नहीं करना है बल्कि अपने बिजनेस के लिए यूज करना है, आ रहा समझे ना। जो कह रहा है आपको एक फीचर एनेबल करना होगा, तो समझ लीजिए पहले था, अब इस वाले नए वाले वर्जन में भी हटा दिया है। कहाँ कह रहा, जाने के लिए वाउचर एंट्री, और वाउचर एंट्री आपको दिखाई देगा क्या, अलाउ एक्सपेंस फिक्स एसेट, ये दिया है ना, उसको क्या करना होगा। तो अगर जो हम यहाँ पे आ जाए वाउचर में, वाउचर में आने कंपनी हम लोग को कहाँ पे है, डी ड्राइव में है ना, डी ड्राइव में, और टैली डाटा 4.0 यही है ना। वाउचर में आ गए, और वाउचर में आने के बाद हम आ गए परचेज वाउचर, तो किस मोड में है अभी हम लोग, कंट्रोल यस करेंगे तो बताएगा हम किस मोड में है। तो किस मोड में आना होगा, एज वाउचर। अब कर आपको कॉन्फिगर पे जाना होगा, यहाँ आने के बाद इसको यस कर लीजिए। देखिए जो ऑप्शन दे रहा था फिक्स एसेट्स लिस्ट में कहीं दिया है, नहीं है ना, यानी कि पुराने वाले वर्जन में था, नए वाले वर्जन में उस एसेट्स वाले फीचर को क्या कर दिया है, बाय डिफॉल्ट एनेबल कर लिया, यानी कि आपको एनेबल करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, बट ट्रांजेक्शन कैसे करना होगा, तो ट्रांजेक्शन के लिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पे एज ऑन 2 अप्रैल 2020, 2 अप्रैल 2021 को एक कंप्यूटर परचेज फ्रॉम ए के इंटरप्राइज, एक कंप्यूटर खरीद रहे हैं कहाँ से, ए के इंटरप्राइजेस से, फॉर ऑफिस यूज, किस लिए, ऑफिस यूज के लिए। कह रहा है इनवाइस नंबर कितना है, 55, और कह रहा आप आर एस कितने रुपए का, 30,000, कितने रुपए का खरीद रहे हैं, 30,000, यानी कि कंप्यूटर खरीद रहे हैं बेचने के लिए नहीं बल्कि किस लिए, ऑफिस यूज के लिए। तो ऑफिस यूज के लिए खरीद रहे हैं तो गुड्स होगा कि एसेट्स होगा, एसेट्स होगा ना। तो अब आप बताइए इसमें कितना अकाउंट बनाएंगे, कितना अकाउंट बनेगा, दो, कौन कौन सा, पहला चीज तो हम कंप्यूटर एक एसेट्स खरीद रहे हैं, कौन सा, कंप्यूटर, दूसरा किस व्यक्ति से खरीद रहे हैं, एक एंटरप्राइजेस, तो पहला अकाउंट कंप्यूटर और दूसरा एक एंटरप्राइजेस, यही है ना। तो कौन अकाउंट डेबिट करेंगे और कौन अकाउंट क्रेडिट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कंप्यूटर होगा, एक हम बना लिए कंप्यूटर और दूसरा बना लिए किसका, एक एंटरप्राइज। अगर जो ऐसे नहीं समझ में आएगा तो आप इसको डिफाइन कर लिए किसमें, अकाउंट में, कंप्यूटर एसेट्स है ना, और एसेट्स से संबंधित खाता कौन सा होता है, रियल, रियल ही होता है ना,
और अगला कह रहा है कौन सा, एक एंटरप्राइजेस। अब एक एंटरप्राइजेस किससे संबंधित है, पर्सनल से, तो ये किसमें आ जाएगा प्रश्न। रियल का रूल क्या है, जब कोई धन अवश्य बिजनेस में आता है तो डेबिट, और यदि जाता है तो क्रेडिट। तो अब आप बताइए, कंप्यूटर अपने ऑफिस यूज के लिए खरीद रहे हैं ना, तो कंप्यूटर जा रहा है कि फिर आ रहा है, आ रहा तो क्या होगा, डेबिट की क्रेडिट। और एक एंटरप्राइजेस हम खरीद रहे हैं ना, तो वह देने वाला है कि पाने वाला, कंप्यूटर वह देने वाला हो रहा है ना, तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है यदि गिवर यानी कि देने वाला है तो क्रेडिट एंड रिसीवर, और यदि पाने वाला है तो डेबिट। तो पाने वाला तो है नहीं, देने वाला है ना, तो देने वाला है तो क्या हो जाएगा बस यही ट्रांजेक्शन की एंट्री जो आप आएंगे, तो परचेज वाउचर में भी किस मोड में करेंगे, एज वाउचर में। जो नीचे देखिए दिया भी है सॉल्यूशन के तौर पे, अकाउंटिंग वाउचर में परचेज वाउचर में जाना होगा, और फिर आपको किसमें आना होगा, एक एच बना लीजिएगा, जैसे कंट्रोल एस एक्सेप्ट होता है ना, तो मोड चेंज करने के लिए दिया है, कंट्रोल एस से क्या करेंगे, मोड चेंज कर, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब चलिए यही एंट्री करने के लिए हम आगे परचेज वाउचर में इनवाइस नंबर दिया है, कितना दिया है, 55 दिया है ना, कर लेंगे 55। क्रेडिट किसको करना है, एक एंटरप्राइजेस को, तो सेलेक्ट कर लिए एक एंटरप्राइजेस, रिसीप डिटेल भर लेंगे और आगे पार्टी डिटेल भर लेंगे। कितने अमाउंट से खरीद रहे हैं, 30,000 से, नया भी खरीद रहे हैं ना, न्यू रेफरेंस, और आगे ले लेंगे क्या होगा, क्या खरीद रहे हैं, कंप्यूटर खरीद रहे हैं ना, तो हम एक क्रिएट कर लेंगे किस नाम से, कंप्यूटर के नाम से। तो अब आप बताइए कंप्यूटर का अंडर ग्रुप क्या रहेगा, कंप्यूटर का अंडर ग्रुप क्या रहेगा, देखते हैं आप लोग आज कितना माइंड लगाते हैं। होगा और लोग बता, तुम लोग जी क्या होगा बताओ जी, मानसू नहीं याद है, पहले ये बता लो ट्रांजेक्शन किसका कर रहे हैं, एसेट्स खरीद रहे हैं ना, क्या खरीद रहे हैं, और कंप्यूटर अपने ऑफिस यूज के लिए खरीद रहे हैं ना, तो जो भी हमारे लिए हमारे बिजनेस में काम करता है वो क्या होता है, एसेट्स। और एसेट्स हम लोग पढ़े दो प्रकार का होता है, एक फिक्स एसेट्स और दूसरा करंट एसेट्स। फिक्स कब होगा और करंट कब होगा, जो लंबे समय तक के लिए वो क्या होगा फिक्स, और जो कम समय के लिए वो करंट। तो कंप्यूटर क्या होगा, कम समय के लिए होगा, लंबे समय के लिए होगा ना, और उसमें हमारा क्या एसेट्स है ना, हाँ 4 दिन तो कमी समय के लिए रहेगा लेकिन फिर भी रहेगा ना, आ समझ में ना। तो याद रखिए जो कंप्यूटर वो क्या होगा, अंडर ग्रुप उसका फिक्स एसेट्स, क्योंकि हम एसेट्स ही तो खरीद रहे हैं ना, और फिर जीएसटी से मतलब नहीं है, तो जीएसटी क्या कर लेंगे, नॉट अप्लीकेबल, और फिर कंट्रोल से एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर जो कंप्यूटर का अंडर ग्रुप दूसरा भरेंगे तो यहाँ लिस्ट में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम क्या खरीद रहे हैं, एसेट्स, और सिर्फ एसेट्स ही दिखाई देगा या परचेज, और कोई यहाँ पे लिस्ट दिखाई नहीं देगा, हो जाएगा ना। एक्सपेंस या और कुछ भर लेंगे तो देखिए ऐसे सो मोर करने पे तो आएगा, लेकिन फिर जब रिपोर्ट चेक करने हैं तो वहां पे दिखाई नहीं देगा, क्लियर है ना। तो पहले कंप्यूटर का क्या बनाना होगा, सबसे पहले बनाएंगे किसका, आएंगे तो हम इनवॉइस नंबर भर लेंगे 55, किससे खरीद रहे हैं, एक एंटरप्राइजेज, और क्या कितने रुपए का, 30,000 का, और किस क्या चीज खरीद रहे हैं, कंप्यूटर, तो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से कंप्यूटर, हो जाएगा ना। और फिर जो नरेशन भरना, और नरेशन और कंट्रोल से हो जाएगा, और आगे क्या आपको क्या चेक करना होगा, रिपोर्ट चेक करना, क्या हुआ, जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि एसेट्स खरीद रहे हैं, अगर जो होता तो लगा देते, नहीं है तो फिर नहीं लगाएंगे, हाँ समझे ना, हाँ समझ लीजिए। अब रिपोर्ट चेक करना है, रिपोर्ट किस चीज का चेक करना है, तो अभी तक आपके स्टॉक समरी में टोटल कितना क्वांटिटी है, कितना आपने खरीदा है, कितना आपने ओपनिंग बैलेंस लगाया,
ये चेक करना हो तो कह रहा आपको कहाँ जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली, और वही दिखाई देगा क्या, कॉन्फिगर में जाके कुछ आपको ऑप्शन क्या करना होगा, इनवर्ड आउटवर्ड एक्सपेंड लेवल को क्या करना होगा। यस, तो उसके लिए आइए आप पहले गेटवे ऑफ टैली, फिर किसमें स्टॉक समरी के आप लोग बताए थे ना कि जितना भी एसेट्स, जितना भी गुड्स या स्टॉक हमारे बिजनेस से पड़ा हुआ है, देखना है कौन कितना पीस बचा हुआ, हम कहाँ जाते हैं स्टॉक समरी। तो अभी तक सिर्फ हम लोग ओपनिंग बैलेंस और परचेज ही किए, सेल नहीं किए ना, क्योंकि सेल का भी एंट्री नहीं किया। अब आगे हम लोग को सेल करना, तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो पहले दिखाएगा क्या क्लोजिंग स्टॉक, आपका टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना हो रहा है 213 क्वांटिटी, और उसका क्या हो रहा है अमाउंट 13,61,160.20 रुपए। तो आपको ओपनिंग बैलेंस देखना है, इनवर्ड देखना है, आउटवर्ड देखना है, तो आप कहाँ जाएंगे कॉन्फिगर, क्या ओपनिंग बैलेंस देखना चाहते हैं, इनवर्ड देखना चाहते हैं, इनवर्ड का मतलब जो परचेज किए हैं वो, और आउटवर्ड का मतलब जो सेल किए हैं, सेलेक्ट कर ले, दोनों देखना है। एक और कह रहा था आपको क्या करना होगा, एक्सपेंड आल लेवल फॉर्मेट में देखना है ना, पहले इसको डिटेल करेंगे और तब इसको क्या करेंगे, कंट्रोल से एक्स हो जाएगा। अब यह रिपोर्ट आपको अपने नोट्स में भी दिखाई दे रहा होगा, हाँ गलत आएगा, क्यों गलत आएगा हम समझा दे रहे, क्योंकि हम ट्रांजेक्शन कई सारा छोड़े हैं, पता है आप लोग को ना, जो एक जैसा हुआ हम बोले आप लोग कर लीजिए और उसको छोड़ कर हम आगे बढ़ गए, तो जब वो क्वांटिटी हम खरीदे ही नहीं है तो हमारे स्टॉक में दिखाई देगा, आ रहा है समझे ना, कुछ ट्रांजेक्शन छोड़े हम लोग ना, जो छोड़े हैं वो खरीदे तो है नहीं, अगर वो खरीदे रहेंगे तब तो आपकी क्वांटिटी हमारा मैच करेगा सारा ना। हाँ याद रखिए, अगर जो आप लोग सारा एंट्री किए रहेंगे तो हो सकता है अगर जो क्वांटिटी मैच नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमाउंट आप लोग का सारा मैच करना चाहिए, क्या मैच करना चाहिए, अमाउंट मैच करना चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी कम या ज्यादा कैसे हो सकता है समझ लीजिए। हम लोग एक फीचर पढ़े जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, आ रहा समझे ना, तो जो हम लोग ट्रांजेक्शन किए हैं वो जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन वाले फीचर को यस करके एंट्री किए हैं, और जब इसमें एंट्री किया गया है तो उस ट्रांजेक्शन को नो करके, यानी कि जो फीचर था ना अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन उसको बताया गया, लेकिन नो करके ही ट्रांजेक्शन किया गया, यस करके ट्रांजेक्शन नहीं किया गया, वो क्वांटिटी तो जोड़ेगा नहीं ना, क्योंकि हम आप लोगों को करके दिखाए थे कि जब नो रहेगा तो क्या अंतर आएगा और जब यस रहेगा तो क्या अंतर आएगा, जब यस कर दिए थे तो क्वांटिटी में जुड़ गया था और जब नो नहीं किए तो वो जुड़ा नहीं, तो वैसे यहाँ पर भी है, इसमें जुड़ा नहीं रहेगा और हम लोग में जुड़ा रहे तो क्वांटिटी हम का ज्यादा रहेगा, लेकिन अमाउंट तो बराबर रहना चाहिए ना, तो अमाउंट आप लोग का क्या आना चाहिए, बराबर ही आना चाहिए, क्लियर है ना। हाँ हमारा भी बराबर आता है, ऐसा नहीं है, देखिए ज्यादा डिफरेंट नहीं है, जो कुछ ट्रांजेक्शन लोग छोड़े हैं कुछ ट्रांजेक्शन बस वही मिसमैच हो रहा है, क्योंकि 10,41,000 आया हुआ है ना, कितना 10,41,160.20 रुपए, और इसमें हम लोग देखें तो कितना आया हुआ है 10,49,160, मात्र 9,000 ही कम हो रहा है ना, तो वही एक दो ट्रांजेक्शन जो हम लोग छोड़े इसमें कितना दिया है 41 दिया है ना, हाँ 8,000 होगा बस वही कम हो रहा है ना, अब वही कोई ट्रांजेक्शन को छोड़े होंगे तो ये ऐसा मिसमैच दिखाई दे, हो जाएगा ना। और समझ लीजिए यहाँ पे जब हम लोग आए तो सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, ओपनिंग दिखाई दे रहा है ना, कौन सा बैलेंस है ओपनिंग, उसके बाद से इनवर्ड, उसके बाद से आउटवर्ड, और उसके बाद से क्लोजिंग, चारों का मतलब समझ लीजिए। जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए थे, कंपनी बनाए थे, तो उस समय हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़े थे, जो क्लोजिंग स्टॉक एंट्री किए तो अगले साल वो ओपनिंग बैलेंस बन के आया था, बताए थे ना, तो वही तो हम लोग एंट्री किए 3,20,000 का ना, तो बिजनेस हम लोग 3,20,000 लगा करके ओपन किए थे, जो आपका कितना दिखाई दे रहा है अमाउंट 3,20,000, और इनवर्ड टोटल हम लोग जो खरीदे वो टोटल कितने का हुआ है 10,49,000 नोट्स में हुआ, और हमारे में कितना हुआ 10,41,000, तो जो ट्रांजेक्शन छोड़े उसी की वजह से मिसमैच आ रहा है, इतना क्लियर है ना। और फिर ये आउटवर्ड क्या है, तो अगर जो वही गुड्स अगर हम सेल करेंगे तो वह किसमें दिखता जाएगा, आउटवर्ड,
आ रहा समझे ना। और अभी टोटल जो दिखाई दे रहा है ये आपके पास इतना स्टॉक बचा हुआ है, क्या चीज? तो सबसे पहले समझ लीजिए, 10 लाख का हम लोग क्या किए थे, 3 लाख 20 हजार ओपनिंग बैलेंस लगाए थे, और 10 लाख 41 हजार हमारा क्या हो गया, परचेस कर लिए। तो दोनों को जोड़ करके बता रहा है, दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 13 लाख 61 हजार 160 रुपए 20 पैसे। अब जितना सेल करते जाएंगे अब वो इन आउटवार्ड में आता जाएगा, और जो रह जाएगा वो किसमें दिखाई देगा, क्लोजिंग बैलेंस। सपोज करिए एक मोबाइल फोन है, क्या है एक मोबाइल, जब बिजनेस स्टार्ट किए थे ना तो पिछले साल में 2 पीस रह गया था, तो अगले इस साल के लिए क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा ना, पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बनेगी, हम आपको बताएं। तो इस साल वही इस फाइनेंशियल ईयर के क्या बना, ओपनिंग, तो मान लिया 2 पीस था, ये हमारा क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक बन गया। और फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है इसी बीच हम 10 पीस खरीद लिए, कितना पीस खरीदे, 10 पीस, और आउटवार्ड यानी कि बेचे कितना, तो 11 पीस बेच दिए, कितना पीस बेच दिए, 11 पीस। तो क्लोजिंग में कितना रह जाएगा, 1 पीस। इतना क्लियर है ना, कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट किए थे तो 2 पीस था, बीच में आपने खरीदा भी तो टोटल कितना हो गया, 12 पीस, जिसमें से आप 11 पीस बेच दिए तो कितना बचेगा, एक ही पीस बचेगा ना। तो आप लोग यही पढ़े हैं ना कि अगर जो फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 चल रहा हो तो इस साल का जो बचा हुआ होगा तो इस साल के लिए वो क्लोजिंग कहलाएगा, और अगला यानी कि 23 और 24 के लिए वही क्या बन जाएगा, 23 और 24 के लिए ओपनिंग बन जाए। इतना क्लियर है ना। तो यहां तक जो रिपोर्ट था ये था हम लोग के परचेस का, किसका रिपोर्ट था, परचेस। अब यही हम लोग को क्या करना, अब सेल करना, क्या करना है अब, इतना क्लियर है ना। तो सबसे पहले अभी तक हम लोग, हमने आपको बताया कि जब पैसा रिसीव करते हैं तो कैश एंट्री करते हैं, इतना क्लियर था ना। ऐसी प्रोसेसर में अगर जो कैश और बैंक के बीच लेन देन होगा तो कंट्रा वाउचर में, फिर हम लोग पेमेंट वाउचर पढ़े, जब किसी को पैसा देना होता है तो किस वाउचर में, पेमेंट वाउचर में, और अगर जो कोई वस्तु खरीदना है बेचने के लिए तो भी किसमें, परचेज में, और अगर जो हम एसेट्स खरीदेंगे तो भी उसके लिए बताए हैं एज वाउचर मोड का यूज करके परचेज में ही कर सकते हैं, और नहीं परचेज में करना है तो आप जनरल में आ जाइए, ये आप 7 से किसमें आ जाएंगे, जनरल वाउचर में, रेफरेंस नंबर भर लेंगे, और डेबिट किसको करना है, कंप्यूटर बिजनेस में आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम कर लेंगे कंप्यूटर, हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट कितने रुपए से, 30 हजार, जो अभी ट्रांजेक्शन था, और यहाँ पे कर देंगे क्रेडिट किसको, एक एंटरप्राइज जो देने वाला। तो अभी देखिए अगेंस्ट रेफरेंस का ऑप्शन आ गया है ना, क्योंकि एक बार हम ये ट्रांजेक्शन परचेज ऑप्शन में कर चुके हैं, तो जनरल में आ चुका है तभी तो समझ रहा है अगेंस्ट रेफरेंस ना, तो क्या वही लेके आ रहा है नीचे 30 हजार वाला 55 वाला बिल ना, तो फिलहाल हम कर देना न्यू रेफरेंस है, कितने रुपए से, 30 हजार हो जाएगा, तो यहाँ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। तो यदि आप एसेट्स खरीद रहे हैं तो आप चाहें तो परचेज वाउचर में भी एज वाउचर मोड का यूज कर सकते हैं, और नहीं तो आप किस में आ जाएंगे, जनरल वाउचर में आ जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे ना। चलिए अब वापस आते हैं, अब हम लोग को जानना है कि अब वही वस्तु क्या करना है, बेचना है। तो आप लोग सुन लीजिए, अभी तक आप लोग खरीद करके अपने बिजनेस में रख रहे थे ना, तो अब आप लोग बेचेंगे वही सामान ना, तो सेल करते समय किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, जिसका लॉस होगा वो अपने पास से भरेगा, और प्रॉफिट होगा तो क्यों रखेगा। तब क्या होगा जी, हाँ तब पार्टी होगा है ना। अब चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अब क्या करना होगा आपको, सेल्स वाउचर में एंट्री करना है, तो पहले सेल्स वाउचर के लिए कह रहा है जीएसटी की आउटवार्ड सप्लाई में सेल्स ट्रांजेक्शन, आप लोग पढ़े थे आउटवार्ड और इनवार्ड याद है, आउटवार्ड क्या होता है, जीएसटी में जो कुछ भी हम सेल करते हैं हमारा क्या होता है, आउटवार्ड, और आउटवार्ड होने पर क्या होता है, टैक्स लाइबिलिटीज बढ़ जाता है। इनवार्ड क्या होता है, जिसमें जो कुछ भी परचेस करते हैं खरीदते हैं वो क्या होता है, इनवार्ड होता है,
और इनवर्ड होने पर क्या होता है, आईटीसी प्राप्त होता है। वही कह रहा है कि जब सेल्स ट्रांजेक्शन जाएंगे तो क्या होगा, ट्रांसफर होगा कि आप अपना जो एसेट जो आपका गुड्स है वो किसी दूसरे के पास ट्रांसफर कर रहे हैं। अगला क्या कह रहा है, एक्सचेंज हो सकता है। एक्सचेंज का मतलब क्या होगा, तो अगर जो हम कोई वस्तु बेच रहे हैं उसके बदले हम पैसा भी तो ले रहे हैं ना। अगला क्या कह रहा है, लाइसेंस रेंटल उसके क्या दे रहा है, लीज एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स। डिस्पोजल ऑफ गुड्स का मतलब क्या होगा, जैसे सबसे पहले एक पेन आता था जिसको बोलते थे लिखो फीको, याद है, खरीदना है यूज करना और फिर क्या कर देना है, फेंक देना। आ रहा समझे ना, वैसे ही आता है क्या, डिस्पोजल ऑफ गुड्स यानी कि जो भी वस्तु आप खरीदेंगे वो आप खरीद करके फिर क्या करना है, बेच देना, वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्पोजल ऑफ। तो ऐसे जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसको आप किस में एंट्री करेंगे, सेल्स वाउचर में। कह रहा है डिस्पोजल ऑफ गुड्स को शामिल किया गया है। और क्या कह रहा है, इसीलिए जीएसटी कम्प्लीमेंट्स इनवाइस इशू करना बहुत क्रिटिकल होता है। आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर जो हमारा बिजनेस है तो कोई जरूरी है कि सिर्फ वही खरीदने आएंगे जिनका बिजनेस नहीं होगा, जरूरी नहीं है ना, या सिर्फ जरूरी है कि सिर्फ वही हमारे पास आएंगे जिसका सिर्फ बिजनेस होगा, हमारे पास दोनों प्रकार के कस्टमर आएंगे। ऐसे भी लोग आएंगे जिनका कहीं बिजनेस होगा, वो आएंगे हमसे खरीद के लेके जाएंगे फिर वो अपने पास से ला करके बेचेंगे, ऐसा होगा कि नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने पर्सनल यूज के लिए लेने आएंगे, हर समझे ना, यानी कि उनका कोई बिजनेस नहीं। तो अब अगर जो दोनों लोग का एंट्री हम एक पास करेंगे ना, और जब जीएसटी रिटर्न करने जाएंगे तो दोनों का अलग अलग रिपोर्ट देना होता है। गवर्नमेंट को ये बताना होता है कि हमने बिजनेस से बिजनेस में कितने का बेचा है और बिजनेस से कस्टमर से हमने कितने का बेचा है। मतलब समझा रहा है ना, कि हमारा बिजनेस है और हम आपसे सेल कर रहे हैं तो आपका भी बिजनेस है, तो वो बिजनेस टू बिजनेस हो गया। और अगर जो हमारा बिजनेस और आपसे सेल कर आपका बिजनेस नहीं है तो बिजनेस टू कस्टमर होगा। तो ये रिपोर्ट अलग अलग देना होगा गवर्नमेंट जो जीएसटी रिटर्न करते हैं, तो ये दोनों रिपोर्ट क्या करना होता है, अलग अलग देना होता है। क्या चीज, कि जो हमारा बिजनेस से बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ वो कितने रुपए का हुआ और जो बिजनेस से कस्टमर का हुआ वो कितने रुपए का। अब क्यों अलग अलग देना होता है तो समझ लीजिए, अगर जो आपका बिजनेस है ना, और आप अगर जो जाते हैं कोई सामान खरीदने किसी के पास, तो कहते हैं कि अगर जो हम आप हमको 10 रुपए हम दे रहे हैं तो कस्टमर से हम 10 रुपए हम बेचेंगे, तो आप कुछ हमको कम में देंगे कि नहीं देंगे, तो वो आपके लिए अलग रेट लगाता है। तो आप बिजनेसमैन के लिए अलग लगाएंगे और कस्टमर के लिए अलग लगाएंगे। अब क्यों लगाएंगे ऐसा, क्योंकि वो कस्टमर जो आप बिजनेसमैन हो आप ही के पास बराबर आए, आया समझे ना। अब आप बताइए, अगर जो जितना में आप देंगे, आप 10 रुपए में कोई सामान बेच रहे हैं और कोई कस्टमर भी आया, कोई बिजनेस वाला भी आया, उसको भी आप 10 रुपए में दिए और इसको भी आप कितने में दिए, 10 रुपए में। तो ये कस्टमर अगर जो ये सोचेगा कि नहीं हम इनके पास जा रहे हैं तो 10 रुपए मिल रहा है और इनके पास आते 11 रुपए हम दे रहे हैं, क्योंकि 10 रुपए हम खरीदे तो 1 रुपए अपना रखेंगे ही, मार्जिन रखेंगे ना, तो ये कहेगा कि 11 रुपए हम दे रहे हैं उससे अच्छा हम वही नहीं जाके ले लेंगे, तो इनका फिर बिजनेस चलने वाला नहीं। आ रहा समझे ना, तो ये क्या कहेंगे कि अगर जो आप 10 रुपए में कस्टमर से बेचेंगे तो आप 9 रुपए हमको दीजिए, तो हम भी 1 रुपया क्या करेंगे, प्रॉफिट कमा के 10 में ही सेल करेंगे। आ रहा समझे ना, तो कभी भी याद रखिएगा, जो बिजनेसमैन होते हैं तो बिजनेसमैन बिजनेसमैन को अलग रेट लगाता है और कस्टमर को अलग रेट लगाता है, तो जीएसटी दोनों का अलग अलग होगा कि नहीं होगा, तो इसीलिए दोनों का रिपोर्ट क्या करना होगा, अलग अलग देना होगा। आ रहा समझे ना, तो वही कह रहा है कि जब आप जीएसटी रिटर्न करने जाएंगे तो जीएसटी कम्प्लीमेंट इनवाइस इशू करना क्या होगा, बहुत क्रिटिकल होगा। जो कह रहा है जीएसटी की रिटर्न फिलिंग को आसान बनाने के लिए यहाँ पर वाउचर सीरीज के फीचर का प्रयोग करके सेल्स को सेल्स बी टू बी एंड सेल्स बी टू सी में डिवाइड किया गया। अब यहाँ पे जब जाएंगे हम लोग टैली में ना, तो एक वाउचर सीरीज दिया है, क्या दिया है, वाउचर सीरीज दिया है कि यदि आपके पास कोई वाउचर नहीं है तो आप वाउचर बना भी सकते हैं। अब उसी वाउचर सीरीज का यूज करके हम एक ही सेल्स को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, कौन कौन सा, एक सेल्स बी टू बी और दूसरा सेल्स बी टू सी।
तो B2B में एंट्री कब करेंगे और B2C में एंट्री कब करेंगे? जब कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिसका बिजनेस है तो उसकी उस ट्रांजेक्शन की एंट्री हम किस में करेंगे? B2B में। और जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसका नहीं है तो उसका हम किस में करेंगे? B2C। कह रहा है इसके लिए सेल्स टाइप दो नए वाउचर बनाना होगा। यहाँ पर दो वाउचर अलग अलग इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमें सेल्स का रिपोर्ट GST डिपार्टमेंट को B2B एंड B2C के रूप में अलग अलग देना होगा, क्योंकि हम ये पहले ही बताएं कि जब भी GST रिटर्न करना होता है ना तो अलग अलग करके देना होता है। और जब दोनों लोग का ट्रांजेक्शन एक ही जगह कर देंगे तो बाद में आपको अलग अलग निकालना होगा कि कौन हमारा बिजनेस से बिजनेस टू बिजनेस था और कौन हमारा बिजनेस टू कस्टमर। तो ऐसे ना करना पड़े तो पहले ही हम दो पेज बना ले, एक पेज B2B के लिए और एक पेज B2C, कि B2B वाला आएगा तो B2B में और B2C वाला आएगा तो B2C। क्लियर है ना? जो कह रहा है B2B क्या होगा, तो कह रहा है एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य रजिस्टर्ड डीलर को गुड सेल करता है तो यह बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B सेल्स कहलाता है। रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड डीलर समझा रहा है ना कि आपका बिजनेस है तो आप भी रजिस्टर्ड है, आया समझे ना? और दूसरा कोई बिजनेस वाला आ रहा है तो वो भी क्या है? रजिस्टर्ड। तो वो आपका क्या कहलाएगा? बिजनेस टू बिजनेस। वो क्या कहलाएगा? बिजनेस टू बिजनेस। क्लियर है ना? और अगर जो यही हम ये कह दें कि अगर जो रजिस्टर्ड डीलर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल करता है, अनरजिस्टर्ड का मतलब समझ रहे हैं, अब जिसका कोई बिजनेस नहीं है वो रजिस्ट्रेशन क्यों कराएगा, आया समझे ना? तो ऐसा व्यक्ति आपके पास आ रहा है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपका क्या कहलाएगा? B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। इतना क्लियर है ना? अब वही आपको क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। तो कह रहा है इस वाउचर को आपको क्या करना होगा, क्रिएट। तो क्रिएट करने के लिए कह रहा है कहाँ जाना होगा? गेटवे ऑफ फिर किस में जाना होगा? क्रिएट। और क्रिएट के बाद वाउचर। हाँ याद रखिएगा आपको क्रिएट में ही जाना है। बहुत बच्चे पता है क्या मिस्टेक करते हैं, वो पहले मिस्टेक हम समझा दे रहे हैं। जैसे अभी हमने पहले बताया सेल्स वाउचर को दो भाग में डिवाइड करना, नया नया बनाना है ना, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अल्टर में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? अल्टर में, और फिर वाउचर टाइप में आ जाएंगे। देखिए एक सेल्स का पहले से वाउचर है कि नहीं है, सेल्स का पहले से वाउचर है ना, इसका नाम चेंज कर देंगे और B2B कर देंगे। क्या कर लेंगे? B2B कर लेंगे। और जब फिर B2C बनाने जाएंगे तो बनेगा ही, जब B2C बनाने जाएंगे तो नहीं बनेगा, इसलिए क्योंकि हम मॉडिफाई किए, अलग अलग नया नहीं बनाया, आ समझे ना? तो आप लोग ऐसा मिस्टेक मत कीजिएगा। आपको इस सेल्स वाउचर को मॉडिफाई नहीं करना है बल्कि दोनों को क्या करना होगा, नया क्रिएट करना होगा, आ समझ में ना? नया क्या करना होगा? क्रिएट करना होगा, नहीं वाउचर टाइप ही क्रिएट करेंगे। तो आज जो है आप लोग क्या करेंगे, जाने के बाद सबसे पहले परचेज ऑफ एसेट्स की एंट्री कर लेंगे, हो जाएगा ना? और वो परचेज ऑफ एसेट्स की एंट्री करने के बाद से सेल्स वाउचर के बारे में समझ लेंगे और अगली क्लास में आपको बताएंगे कैसे आपको वाउचर क्रिएट करना हो। क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ तक आप लोग पढ़ करके आइए, फिर आगे बताते हैं कैसे बनाना होगा।